हेलो गाइस, हाउ आर यू। माई सेल्फ रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम 15th ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में 15th ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ ली है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो गाइज, 15th ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम 15th ग्रुप के मेंबर लिखते हैं। तो आपके पास है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब देखो, इनका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो अब वो आप देख सकते हो। तो देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब 7 में आप ऐड करोगे तो बनेगा 15, 15 में आप 18 ऐड करोगे तो बनेगा 33, और 33 में आप 18 ऐड करोगे तो बनेगा 51, और 51 में आप 32 ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 83। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो फर्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो, 15th ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP3, यानी कि इनके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, S में 2 और P में 3। N का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर आउटर मोस्ट सेल का नंबर, कि वो सेल कौन सी है वो हम N को बोलते हैं। तो देखो, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 5 है, कि S सब सेल में 2 और P सब सेल में 3 है। तो आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास 5। अब आपको बताया कि आपको ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, तो इनके पास वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -3, तो इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -3। ठीक है, अब देखो, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आना, एक बाहर निकालो। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो प्लस और आता है तो माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो +1, दो निकालोगे तो +2, तीन निकालोगे +3, चार +4 और पांच के लिए +5। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं तो हम निकाल नहीं सकते। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखो, इनमें से भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है वो देखो। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये है -3, +3 और +5। तो स्टूडेंट्स, अब एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ते हैं। तो देखो, -3 की बात करते हैं। जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो एटम का साइज इंक्रीज होगा, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। अगर दूर चला जाएगा तो वो इजीली निकल सकता है। तो देखो, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ती है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो मेटल, यानी कि नीचे आने पर मेटेलिक नेचर इंक्रीज होती है। तो इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर इंक्रीजेज, सो द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। देखो, नीचे आने पर तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यानी कि प्लस वाली शो करेंगे, माइनस वाली शो नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकलेंगे तो प्लस में ना कि माइनस में। इसलिए हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो -3 की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है। ठीक है, अब देखो, +3 और +5 पर बात करते हैं। अब देखो, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये +5, क्योंकि -3 का तो आपने पता लगा लिया कि टॉप टू बॉटम -3 की जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी।
अब देखो इनकी स्टेबिलिटी पता लगाने के लिए आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए शील्डिंग इफेक्ट पढ़ना पड़ता है, जो कि आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो। तो देखो जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी एंड एफ ऑर्बिटल, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ना, इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाएंगे, और डी और एफ की शील्डिंग कम होती है। अगर शील्डिंग कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ध्यान रखो शील्डिंग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के एंटी होते हैं। शील्डिंग साइज को इंक्रीज करता है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी एंड एफ ऑर्बिटल्स विच शो लेस शील्डिंग सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, कि आपका जेड इफेक्टिव जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं वो इंक्रीज होगा। अब इस बात को ध्यान से समझना कि जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे डी और एफ में, जिनकी शील्डिंग कम होती है, तो बस किसका चलेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लेगा। देखो नीचे आएंगे तो डी और एफ में इलेक्ट्रॉन जिसकी शील्डिंग कम, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का बस चलेगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लेगा। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, पांच, और पांच में से कौन कौन से हैं, दो तो है एस में और तीन है पी में। अब देखो इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर को ये पकड़ेगा। अब देखो इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों में से न्यूक्लियस के पास कौन है, तो ध्यान रखना एस सबसे न्यूक्लियस के पास, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। तो इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों में से ये एस वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इन एस के दो इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। इसे ही हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। जब देखो इन दो इलेक्ट्रॉनों को ये न्यूक्लियस पकड़ लेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, केवल तीन, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट से होगी +3। तो नीचे जाने पर +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि नीचे जाने पर तो एस के इलेक्ट्रॉन को तो ये पकड़ ही लेगा, तो तीन ही बाहर निकलेंगे, यानी कि +3 बढ़ेगा और +5 की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। तो देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि बिस्मथ है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड नहीं बनाता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, क्योंकि न्यूक्लियस नीचे जाने पर एस के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। देखो जब ये पांचों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तब +5 से होगी, और ये तीन करेंगे तो +3 से होगी। तो लिख लेना। अब देखो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आती है कैटेनेशन। कैटेनेशन देखो, कैटेनेशन का मतलब है कि कोई एलिमेंट अपने आप से जुड़ेगा, अपने आप से बॉन्ड बनाएगा, तो उसे हम कैटेनेशन बोलते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन कार्बन बहुत सारे जुड़ सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैटेनेशन। सबसे ज्यादा कार्बन की होती है कैटेनेशन पावर। तो इट इज द, आप लिख सकते हो, इट इज द टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो इस पर क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो कि नाइट्रोजन शो लेस कैटेनेशन, वाई। देखो कैटेनेशन का मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन को आप आपस में जोड़ोगे, इसे ही हम कैटेनेशन बोलते हैं। अब आपको बताया कि नाइट्रोजन की साइज छोटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ऐसा समझो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो मान लो इसके इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे बॉन्ड टूट जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे बॉन्ड टूट जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो नाइट्रोजन तो बहुत सारे आपस में जुड़ ही नहीं सकते ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन लगता है, जिसके कारण बॉन्ड टूट जाते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन नहीं जुड़ सकते, इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो लेस कैटनेशन शो करता है, और बाकी सारे मेंबर कैटनेशन शो करते हैं। जैसे फॉस्फोरस है तो ये पी फोर बनाता है, ये देख लो आपस में सारे जुड़े हुए हैं, तो ये कैटनेशन शो करता है। बाकी सारे मेंबर्स कैटनेशन शो करते हैं, बस नाइट्रोजन कैटनेशन शो नहीं करता ड्यू टू स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी नाइट्रोजन का एनोमिलस बिहेवियर पढ़ते हैं। तो आप लिख सकते हो एनोमिलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे अलग बिहेव करता है, क्यों? तो देखो इसके बहुत सारे रीजन है, तो पहले तो आप ये रीजन देख लो, उसके बाद एक एक को समझेंगे। तो नाइट्रोजन का साइज है वो स्मॉल होता है, तो फर्स्ट स्मॉल साइज, सेकंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास दो ही सेल होती है, एक तो ये और एक ये। फर्स्ट सेल में 1s सब सेल और सेकंड सेल में 2s और 2p, तो डी ऑर्बिटल अब्सेंट होते हैं नाइट्रोजन के पास, तो ये दूसरी बात हो गई। अब देखो नेक्स्ट, अब साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाओगे, तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इन सब के कारण नाइट्रोजन सबसे अलग बिहेव शो करता है। अब देखो सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ये पी पाई बॉन्ड बनाता किसके साथ है? विद इटसेल्फ एंड कार्बन ऑक्सीजन एटसेट्रा, मतलब छोटे एटम्स के साथ ये पी पाई बॉन्ड बनाता है। तो देखो पी पाई बॉन्ड होता क्या है, कि पी ऑर्बिटल्स की साइडवाइज ओवरलैपिंग के कारण पी पाई बॉन्ड बनता है। अब देखो नाइट्रोजन ही बनाता है, अदर मेंबर्स नहीं बना सकते, कैसे? देखो हम फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों का कंपेरिजन कर लेते हैं एक क्वेश्चन से, कि एन टू एग्जिस्ट बट पी टू डज नॉट एग्जिस्ट, वाई? तो देखो यह क्वेश्चन बता देगा कि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड क्यों बनाता है, जबकि अदर मेंबर यानी कि फॉस्फोरस और नीचे वाले तो बनाएंगे नहीं, ये क्यों पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है? देखो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में N2 में, इसको हम डाई नाइट्रोजन बोलते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड और बाकी के दो बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। अब अगर मान लो P2 एग्जिस्ट करेगा तो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड, तो एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे। अब देखो नाइट्रोजन तो पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, लेकिन फॉस्फोरस पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता है, क्यों? देखो नाइट्रोजन के पास दो सेल होती है, तो ये इसकी आउटर मोस्ट सेल हो गई, यानी कि सेकंड, इसमें है 2s और 2p ऑर्बिटल, और ये p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे, जबकि इसमें इसकी आउटर मोस्ट सेल है थर्ड, तो इसमें होंगे 3s 3p ऑर्बिटल, यानी कि इसके अगर पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ये 3p ऑर्बिटल बनाएंगे। अब 2p ऑर्बिटल्स का साइज स्मॉल होता है, इसलिए ये अच्छी तरह एक दूसरे से मिल सकते हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर सकते हैं, लेकिन 3p ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा होता है, इसलिए ये अच्छी तरह
ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह नहीं मिल पाएंगे, यानी कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये पी यानी कि फॉस्फोरस के पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाएंगे। अगर पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे ना तो आपका पी टू नहीं बनेगा। आ गई बात समझ में? अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, वाई? तो देखो डाई नाइट्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यह दूसरे के साथ रिएक्शन तब करेगी ना जब इसकी वैलेंसी फ्री हो, यानी कि यह बॉन्ड ब्रेक हो। और आपको पता है कि तीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब बहुत ज्यादा एनर्जी इसको नहीं मिलेगी रूम टेम्परेचर पर, इसलिए ये तीन बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे और नाइट्रोजन किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करेगी नहीं। इसका मतलब नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होती है और एनर्जी ज्यादा चाहिए। और बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आर थ्री पी डबल बॉन्ड ओ एग्जिस्ट बट आर थ्री एन डबल बॉन्ड ओ डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो इसमें देखो फॉस्फोरस है वो पांच बॉन्ड बना रहा है, ये आर और ये आर। फॉस्फोरस का देखो डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होते हैं ध्यान रखना। तो फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल मिलकर के ये जो सेकंड बॉन्ड फॉर्म करे ना ये पाई है, यानी कि ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब देखो ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि नाइट्रोजन पांच बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करेगा। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन के पास बाहर दो सेल होती है और दूसरी सेल में 2s ऑर्बिटल और 2p, 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में तीन ऑर्बिटल होते हैं। यानी कि आपको पता है कि बॉन्ड तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही बनते हैं। अब नाइट्रोजन के पास टोटल बाहर ऑर्बिटल ही चार है तो नाइट्रोजन मैक्सिमम चार बॉन्ड ही बनाता है, इसलिए नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो फोर होती है। नाइट्रोजन बॉन्ड ही चार बना सकता है, यहां पर बन रहे नाइट्रोजन के पांच बॉन्ड, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन दिस कैन नॉट एग्जिस्ट। और ये बन सकता है क्योंकि फॉस्फोरस पांच बॉन्ड बना सकता है, इसके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए फॉस्फोरस सेकंड बॉन्ड जो पाई बॉन्ड बनता है उसमें अपना डी ऑर्बिटल लगा रहा है, जबकि ऑक्सीजन के पास डी होता नहीं है इसलिए ऑक्सीजन अपना पी लगा रहा है, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इनको लिख लो आप। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज 15th ग्रुप की पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, कि इस ग्रुप के जो मेंबर है वो हाइड्रोजन के साथ कैसी रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो इस ग्रुप के जो मेंबर है वो हाइड्रोजन के साथ EH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। E का मतलब मेंबर, जैसे नाइट्रोजन है तो बनाएगा NH3, फॉस्फोरस है तो बनाएगा PH3, आर्सेनिक है तो बनाएगा ASH3, एंटीमनी है तो बनाएगा SbH3 और बिस्मथ है तो बनाएगा BiH3। तो स्टूडेंट्स इनके ऑर्डर पढ़ते हैं, तो सबसे फर्स्ट आपका आता है एसिडिटी ऑर्डर। तो देखो आपको पता है कि जो H+ देना वो एसिडिक है, तो इनमें देख लो कौन जल्दी H+ देगा। देखो जो H+ दे वो एसिड और जो जल्दी H+ दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको पता है कि नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ता है, यानी कि बिस्मथ का जो साइज है वो बहुत बड़ा है और ये हाइड्रोजन है आपका, है ना।
तो आपको पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा एलिमेंट का और हाइड्रोजन का बॉन्ड कौन सा है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड ये होता है। देखो बिस्मत की साइज सबसे बड़ी, तो ये हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ा बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ यहां पर ज्यादा है। अब देखो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, यानी कि जितना बड़ा बॉन्ड होगा ना उतना ही जल्दी टूटेगा। तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा यानी कि सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा, बिस्मत। तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपका हो गया बिस्मत, बिस्मत का हाइड्राइड। उसके बाद एंटीमनी का हाइड्राइड, उसके बाद आर्सेनिक का हाइड्राइड, उसके बाद PH3 और उसके बाद NH3। ठीक है, तो सबसे जल्दी H देगा बिस्मत, क्योंकि बिस्मत का एटम बड़ा है, बड़ा एटम बड़ा बॉन्ड फॉर्म करता है, और बड़ा बॉन्ड यानी कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो उतनी जल्दी टूटेगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। तो जितनी जल्दी H निकलेगा वो उतना ही एसिडिक। अब इसी में हम अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी एसिडिटी की उल्टी, तो कुछ सोचे समझे बिना ही इसका उल्टा कर दो कि अगर BiH3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस है, अगर ये आपका वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये लो NH3 सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद एंटीमनी का हाइड्राइड, उसके बाद बिस्मत का हाइड्राइड। तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया। अब देखो नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो देखो टेम्परेचर के टुवार्ड्स कौन सा स्टेबल है, आपको पता है एच जल्दी यहां से बाहर निकलता है तो ये सबसे कम स्टेबल, और NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। देखो BiH3 में बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा, अगर बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो रहा है तो सबसे कम स्टेबल, और यहां पर बॉन्ड लेंथ कम है यानी कि बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अगर हम रिड्यूसिंग नेचर देखें, रिड्यूसिंग नेचर की अगर हम बात करें तो देखो आपको पता है कि यहां से हाइड्रोजन सबसे जल्दी बाहर निकलेगा। अब देखो यहां से हाइड्रोजन अगर सबसे जल्दी बाहर निकलेगा तो दूसरे के अंदर हाइड्रोजन जुड़ेगा भी सबसे जल्दी, तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, तो सबसे जल्दी रिडक्शन कौन करेगा, बिस्मत का हाइड्राइड, यानी कि BiH3 सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है, क्योंकि यह दूसरे में जल्दी एच जोड़ता है, क्योंकि यहां से H जल्दी निकलेगा तो दूसरे में जल्दी जुड़ेगा ना। उसके बाद SbH3, उसके बाद आपका ASH3, PH3 और NH3। तो स्टूडेंट्स ये कुछ है किसके ऑर्डर है। तो गाइज अब हम ऑक्सीजन के टुवार्ड्स इनकी रिएक्टिविटी पढ़ते हैं। तो इस ग्रुप के जो मेंबर है वो E2O3 और E2O5 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो देखो N2O3 हो गया और N2O5 हो गया, P2O3 हो गया और P2O5 हो गया। ठीक है, AS2O3 हो गया और AS2O5 हो गया, ऐसे SB2O3 हो गया और SB2O5 हो गया, और Bi2O3 हो गया। और देखो बिस्मत है तो वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बहुत कम शो करता है, तो हम इतना ही रख लेते हैं। तो देखो N2O3 और N2O5 इनकी एसिडिटी की कंपैरिजन करते हैं सबसे पहले। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन दे वो एसिड, अब यहां पर तो हाइड्रोजन यानी कि एच प्लस नहीं है ना, तो अब हम लुईस एसिड बेस की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे वो एसिड और जो डोनेट करे वो बेस। तो देख लेते हैं, यहां पर नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां पर नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब देख लो इन दोनों में जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, भी सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा प्लस
होगा उतने ही जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये प्लस फाइव इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया। अब देखो इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं, तो N2O3 और P2O3, तो यहां पर दोनों प्लस थ्री में है। तो स्टूडेंट्स देखो नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, तो ये मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहां पर फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है। अब देख लो कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि दोनों प्लस थ्री में है, तो ये डिस्टेंस कम है ना, तो ये न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा और ये न्यूक्लियस कम खींचेगा, तो आपका N2O3 जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज जो है वो छोटी है। तो आप बोल सकते हो कि ऑक्साइडों में जो E2O3 टाइप के ऑक्साइड है वो E2O5 के ऑक्साइडों से लेस एसिडिक है, यानी कि ये लेस एसिडिक और ये हाई एसिडिक, ठीक है। और वैसे एसिडिक जो प्रॉपर्टी है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे ना ऑक्साइडों में, तो एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है, तो ये एसिडिक नेचर हो गया। अब देखो कोवेलेंट नेचर देखते हैं, कोवेलेंट नेचर, तो E2O3 में आपका जो ये मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि E2O5 में प्लस फाइव है, तो ये इस कैटायन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना चार्ज का, तो ये ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को खींच के ज्यादा बीच में लाएगा, तो ये ज्यादा कोवेलेंट हो गई। तो E2O3 से E2O5 के जो कंपाउंड है वो ज्यादा कोवेलेंट है, क्योंकि E2O5 में प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, ठीक है, ये कोवेलेंट नेचर। और अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होती जाती है। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज तो बॉन्ड ब्रेक जल्दी होगा, यानी कि जल्दी ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो होती है इंक्रीज, जबकि रिड्यूसिंग नेचर की अगर हम बात करें तो ये उल्टी, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होती है, क्योंकि देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर नीचे जाओगे एटम बड़ा तो बॉन्ड बड़ा तो जल्दी ब्रेक होगा, यानी जल्दी ऑक्सीजन निकलेगा, तो जल्दी दूसरे में जुड़ेगा ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज होती है तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज होती है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके कंपाउंड्स, जो 15 ग्रुप के मेंबर है उनके कंपाउंड्स पढ़ेंगे, तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।